हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित एंड वेलकम टू एडीटेक। दोस्तों, कल जियो ने अपने 41th एनुअल जनरल मीटिंग में अपने जियो गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड और जियो गीगा टीवी सेट टॉप बॉक्स को लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों सर्विस के बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जियो गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस की। तो जियो की कंपनी पिछले कुछ सालों से जियो ब्रॉडबैंड सर्विस पे काम कर रही थी, जिसको फाइनली आम यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपको 1 Gbps तक का डाउनलोड स्पीड और 100 Mbps का अपलोड स्पीड मिलेगा, जिसमें आप बड़ी आसानी से USD कंटेंट के वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो वर्चुअल रियलिटी में गेम खेल सकते हैं। इस ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए सबसे पहले आपको फिक्स्ड लाइन के थ्रू गीगा राउटर को इंस्टॉल कराया जाएगा। उस राउटर की मदद से आप जो है अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट का मजा अपने किसी भी वाईफाई डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और स्मार्ट टीवी पे ले सकते हैं। दोस्तों, इस ब्रॉडबैंड सर्विस के प्राइसिंग के बारे में फिलहाल तो कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन जब टेस्टिंग चल रहा था उस समय राउटर के लिए टेस्टिंग यूजर्स को जो है सिर्फ 4,500 rupees देना पड़ रहा था, जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए लिया गया था, जिसको बाद में जो है रिटर्न कर दिया जा रहा था। तो दोस्तों, हो सकता है कि राउटर और इंस्टॉलेशन के लिए आपसे सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाए, बस आपको जो है ब्रॉडबैंड सर्विस के प्लान के लिए पैसे देना पड़ेगा, जो कि आपके लिए अफोर्डेबल प्राइस में होगा। दोस्तों, अगर आपके पास जियो गीगा फाइबर नेटवर्क होगा तो आप जो जियो गीगा टीवी सेट टॉप बॉक्स को भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 600+ से ज्यादा HD चैनल, 1000+ से ज्यादा मूवीज को देख सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री के थ्रू आपको जो है टीवी पे जियो के सभी एप्लीकेशन को यूज करने का मौका भी मिल जाएगा। जियो गीगा टीवी के साथ आपको एक स्मार्ट रिमोट मिलेगा, जिसके साथ आप जो है जियो टीवी कॉल के मदद से आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं कि इस ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस ब्रॉडबैंड सर्विस को इंडिया में सिर्फ 1100 सिटीज में ही उपलब्ध कराया जाएगा। जिस सिटी में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे वहाँ पे जो है ब्रॉडबैंड सर्विस को यूज करने का मौका मिलेगा। और दोस्तों, आने वाले समय में धीरे धीरे इंडिया के सभी छोटे बड़े शहरों में ये ब्रॉडबैंड सर्विस को रोल आउट किया जाएगा। दोस्तों, गीगा फाइबर सर्विस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त से करना होगा, जिसको आप जो है MyJio के एप्लीकेशन या फिर jio.com की वेबसाइट से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जियो गीगा फाइबर राउटर या जियो गीगा टीवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूले, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ADTech को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय फ्रेंड्स।